नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के कपाली में गोली चालन की घटी घटना, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सरायकेला जिला निवासी डॉक्टर ममता राय का पहुंचा शव, परिजनों ने सहयोगियों पर लगाया हत्या का आरोप। 13 वर्षीय नाबालिग के साथ झोला छाप, डॉक्टर ने किया दुष्कर्म, सरायकेला के कुचाई का है मामला। और जमशेदपुर में सरस्वती पूजा को लेकर लोगों में दिखी उत्साह, बने भव्य पंडाल। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। सरायकेला के कपाली थाना क्षेत्र के हांसा डुंगरी में बाइक पर सवार अपराधियों ने एनुल हक को गोली मार दी, जिससे एनुल हक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में एनुल हक को पहले इलाज के लिए ब्रह्मानंद अस्पताल ले जाया गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती करवाया गया है। परिजनों की माने तो दो बाइक पर तीन की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पहले अपराधियों ने बम से हमला किया, जिसके बाद 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें एनुल हक को पेट में एक गोली लगी है। फिलहाल घायल का इलाज टीएमएच में चल रहा है। वहीं थाना प्रभारी लाल बिहारी ने बम चालन की घटना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि तीन में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घर के पास मदरसा है, मदरसे ही के पास है, तो 1:10 का 10 मिनट होगा करीब, वहाँ बाइक से उतरा, नीचे तरफ से आया लकड़ों, नीचे तरफ से आकर हेलमेट वेलमेट पहनी हुआ है, जिसका हम चेहरा बिल्कुल नहीं देखे। अब सीधा एकदम पहले तो यानी बम चलाया, एक बम चलाया, उसके बाद यानी फायरिंग करने लगा था, तो और उसके बाद यानी अपने जान बचा के इधर उधर यानी सब भागने लगे। अब भाई पर ये अटैक हुआ। एक कपाली थाना अंतर्गत हासा डूंगरी एक जगह है, वहाँ पर एनुल हक ये जो है कि इनके अपने घर के पास दरवाजा पर खड़ा थे, उसी बीच में 2-3 अपराधी आए, इनको गोली मार के भाग गए, जिसमें से नाम लिए हैं वो भी नहीं बताएंगे, लेकिन एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के बाबा आश्रम कॉलोनी में रहने वाली एम्स की महिला डॉक्टर ममता राय मौत मामले में परिजनों ने मृतिका के सहयोगियों पर ही साजिश के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। रविवार शाम केरल के कोची से डॉक्टर ममता राय का शव रांची एयरपोर्ट लाया गया, जहां सड़क मार्ग से बाबा आश्रम कॉलोनी स्थित घर में शव पहुंचा। इधर शव पहुंचते ही पूरे बाबा आश्रम कॉलोनी में शोक की लहर दौड़ पड़ी और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना से न सिर्फ मृतिका के परिजन बल्कि पूरे कॉलोनी के लोगों में गहरा शोक व्याप्त है, और सभी ने मृतिका के साथियों पर साजिश के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं डॉक्टर ममता राय के जीजा राजीव शुक्ला ने बताया कि ममता एम्स के 12 सदस्यीय टीम के साथ कोची में आयोजित मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गई थी, जहां उसके 3 साथियों ने मिलकर सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी है और जबरन उसे सुसाइड नोट भी लिखवाया गया है। परिजनों ने हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर संजय सिंह को बताया है, जो कि कई दिनों से डॉक्टर ममता पर शादी का जबरन दबाव भी डाल रहा था। साथ ही डॉक्टर आलोक और ममता की सहयोगी नेहा पर भी हत्या का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कोची के स्थानीय पुलिस थाने में तीनों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज कराया जा चुका है, जबकि परिजन समेत पूरे कॉलोनी वासी अब न्याय की आस लिए बैठे हैं। एम्स के टीम के तरफ से लोग गई हुई थी, कोचिंग गई थी, अवार्ड सेरेमनी भी था, और क्विज में वो एम्स के तरफ से सेलेक्ट हुई थी, उसमें 2 लोग गए थे एम्स के खर्चे पे, बाकी 12 लोगों का टीम गया हुआ था। उसी दरमियान में उनके जो पुराने साथी लोग थे और साजिश के तहत में पहले से ही झगड़ा लड़ाई लोग कर रहा था, और ज़बरदस्ती उसको मारपीट के सुसाइड नोट लिखवाया गया है और उसको हैंग कर लिया है। आगे क्या डिमांड कर रहे हैं? आगे डिमांड कर रहे हैं कि इसका तहकीकात एकदम स्वच्छ तरीके से हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। किसी पे किसी आप लोग शंका? 3 लोगों पे शक है, एक संजय सिंह है, वो खुद कातिल है, उसी के चलते ये सारा चीज हुआ है। सरायकेला जिले के कुचाई थाना अंतर्गत एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। विषम सरदार नाम के इस तथाकथित चिकित्सक ने करीब 5 माह पहले बच्ची को अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन दुष्कर्म की घटना से बच्ची का गर्भ ठहर गया। अगस्त में घटी इस घटना के बाद जब परिजनों ने बच्ची का शारीरिक परिवर्तन होते देखा तो पूछताछ में सारी बातें सामने आई और कुचाई थाना में शनिवार को मामला दर्ज करवाया गया। वहीं रविवार को बच्ची को मेडिकल जांच हेतु सदर अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल जांच करवाई गई।
इस बारे में जानकारी देते हुए कुचाई थाना के ASI ने बताया कि आरोपी झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। इसका मामला है, इसका उम्र तो बताती है 13 साल का। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम करता है, डॉक्टर नहीं है, वो घूम घूम के डॉक्टर का काम करता है। उसका नाम विशन सरदार। इसके घर में आया और जबरन इसके साथ दुष्कर्म किया। क्या मैंने इसको गर्भ ठहरा है? इसके अनुसार तो बता रहे हैं कि गर्भ ठहर गया है। तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ कल ही केस हुआ है, गिरफ्तारी होगा ही। और जमशेदपुर शहर में सरस्वती पूजा की धूम देखी जा रही है। बाजार की दुकानें सरस्वती पूजा को लेकर सज धज कर तैयार है। बड़े छोटे सभी लोग पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच गए हैं। सरस्वती पूजा को लेकर पूजन सामग्री समेत मां सरस्वती की प्रतिमा भी बाजार में उपलब्ध है। सरस्वती पूजा को लेकर शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। साथ ही स्कूल कॉलेजों में भी सरस्वती पूजा धूमधाम से की जाएगी, जिसे लेकर पूरा शहर सरस्वती पूजा के रंग में रंग गया है। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती पूजा की खरीदारी बाजारों में की जा रही है। स्टूडेंट है, खरीदारी करने आए सरस्वती पूजा का। और क्या क्या खरीदे? ये हम मूर्ति लिए हैं, फल लिए हैं, दिया लिए हैं, अभी और खरीदारी करना बाकी है, जा रहे हैं। ये जैसे कि मेरा नाम भी सरस्वती है तो मेरे लिए बहुत बड़ा पूजा है, तो हम हर साल इसको धूमधाम से मनाते हैं। जिसन कम्प्लीट हो चुका है, अभी घर में ही करते हैं सरस्वती पूजा। दीदी मूर्ति खरीद रहे, फल है, स्वीट्स है, माँ के लिए साज सज्जा का सामान ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा से मनाते हैं हम लोग। और जमशेदपुर में टुसू मेले का आयोजन कर झारखंड की संस्कृति और कला को जीवित रखने का प्रयास किया गया। कुड़मी समाज के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मांदर की थाप पर जमकर मस्ती की। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में कुड़मी समाज के द्वारा टुसू मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो के साथ कई विधायक मौजूद थे। झारखंड, बंगाल और ओडिशा से टुसू माँ की प्रतिमा और चौड़ल लेकर पहुंचे लोगों ने झारखंड के नृत्य और संस्कृति को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अवसर पर 20,000 से अधिक लोगों का जुटान मैदान में देखने को मिल रहा था। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित सभी विधायक एवं सांसद ने ढोल नगाड़ा बजाकर अपने पारंपरिक गीत के साथ जमकर मस्ती की। वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा कि टुसू पर्व पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में सभी लोग अपने परिवार के साथ पर्व का आनंद लेते हैं। इसी कारण कई प्रतिष्ठान एवं होटलों में काम कर रहे लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, जिस कारण उनका व्यापार कुछ दिनों के लिए ठप हो जाता है। इसी परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि हम अपनी संस्कृति को दूसरों तक पहुँचा सकें। तो उपलक्ष्य में यह जो त्यौहार है, लगातार कई दिनों तक चलने वाला त्यौहार, जिसके माध्यम से माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्ग, चाहे वृद्ध हो चाहे बच्चे हो, बहुत ही आत्मीयता के साथ इस खुशी को बांटता है, मनाता है। और उसी का दृश्य आज यहां पर दिख रहा है जमशेदपुर के इस नगरी में, कि गाँव से शहरों से रहने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के नृत्य गीत कर रहे हैं, अपने संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं, आत्मविभोर होकर के, अपने में मशगूल होकर के इस उत्साह को एक दूसरे के साथ मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। और जमशेदपुर में प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय पर किए जा रहे अत्याचार पर विचार विमर्श किया गया। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष शकील अंसारी के अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के कई सदस्य एवं कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष शकील अंसारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को एक साजिश के तहत निशाना बनाकर उन पर अत्याचार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को दी जा रही सुविधाएं भी अब इस समाज के लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसे देखते हुए उन लोगों ने कई बार प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को अवगत कराया, मगर भाजपा सरकार की उदासीनता के कारण अब उन्होंने आंदोलन का रूप अख्तियार करने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाकर मिशन 2019 में सबक सिखाने का काम किया जाएगा। जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, लगातार
जो अल्पसंख्यक के हुकूक है, हक है, जो पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार और जो भी लोग जो भी सरकारें देश में रही, तो इसके जो हक की चीज़ें थी उस पर ये सरकार प्रहार कर रही है लगातार। इस सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल बहरी गोंगी सरकार है। अल्पसंख्यकों के मामले में बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक तरीके से ये जो अल्पसंख्यक समाज के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर कमेटी की वार्षिक आम सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी खेमे ने मोर्चा संभाल रखा है। राम मंदिर कमेटी का पिछला चुनाव 2013 में अप्रैल महीने में हुआ था। हर 3 साल पर नई कमेटी का चुनाव होता है। पिछली कमेटी का कार्यकाल 2016 में समाप्त हो गया, बावजूद कमेटी के अध्यक्ष ने वार्षिक आम सभा बुलाई है। इधर विरोधी खेमा ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए रोक लगाने की मांग की है। विरोधी खेमा के एस वेंकट दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया, धालुम एसडीओ ने एजीएम पर रोक लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया, निवर्तमान अध्यक्ष सी शंकर राव ने लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितता की है। 2013 अप्रैल में चुनाव हुआ था, जिसमें मैं जॉन सेक्रेटरी चुनाव किया, और मार्च 2016 में कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया। 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 साल में समाप्त हो चुका है, और समाप्ति के बावजूद भी अध्यक्ष जो बने हुए हैं अभी सी एस शंकर राव, वो अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं और हम लोग वो अपने मंदिर में कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। इसके खिलाफ हमने पूरी प्रशासन की ओर से, हम सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कहीं मारपीट करना नहीं चाहते हैं उनके साथ में, हम सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमारा जो मनसा है उसे पूरा कर सकें। आप लोगों ने किनसे मिला था? हम डीसी साहब से भी मिले हैं, एसडीओ मैडम से भी मिले हैं, और सभी संबंधित थाना प्रभारी से भी मिले हैं, सबसे मिल के हम लोग किए। एजीएम नहीं हो, सिर्फ चुनाव किया गया। एजीएम कब होने का है? एजीएम अभी होने का नहीं है, चुनाव होने के बाद ही एजीएम हो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जीवन की खुशियों के यादगार पल आपकी उम्मीदों के सांचे में जाएं ढल। आप बनाएं अपने हर मुबारक मौके को एकदम खास और बेहतरीन। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, बिल्कुल अनूठा, विशाल और बेहद खूबसूरत बैंक्वेट हॉल सेलिब्रेशन इन। शादी विवाह के शुभ अवसर हो या हो आपकी मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट गेट टुगेदर हो या फिर हैप्पी बर्थडे की सुहानी घड़ी, बनाए आपकी खुशियों का हर एक पल खुशनुमा, एक लम्हा बिल्कुल हसीन। एन एलिगेंट, एक्सक्लूसिव एंड स्पेशियस बैंक्वेट हॉल सेलिब्रेशन इन। वेल अरेंज्ड कैटरिंग सर्विसेज, वेल फैसिलिटेटेड विद टेंट एंड डेकोरेशंस, बलून डेकोरेशंस, लेटेस्ट डीजे म्यूजिक एंड पीए सिस्टम, 4K स्टिल फोटोग्राफी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, all types of cultural and western entertainment events, and air conditioned with deluxe guest rooms. Celebration Inn. अपने हर यादगार आयोजन को बनाएं अब और भी शानदार, wow, awesome, amazing. सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस Celebration Inn, a great experience in hospitality. संपर्क करें प्रगति नगर, बजरंग चौक, कदानी रोड, बारीटी, नियमर्सी हॉस्पिटल, जमशेदपुर। फोन 85218
6428594313289866। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर क्यूएम हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक, जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्केलिंग करवानी हो या रूट कैनल, या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में, एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, बिसाइड बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल अस ऑन 8797257335 और 9534106209। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाजपा सरकार की कई गलत नीतियों के खिलाफ 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, या कहना है इंटक के राष्ट्रीय सचिव राकेश्वर पांडे का। गोलमुरी के केबुल टाउन क्लब में आयोजित केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त सभा कार्यक्रम में उन्होंने उक्त बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ 30 जनवरी को उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें तमाम संगठन के लोग शामिल होंगे। है कि 30 तारीख को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन हम लोग सत्याग्रह करने वाले हैं पूरे देश में मजदूर, और जेल भरो अभियान करने वाले हैं। ये आज का पर्पस था, और उसका उद्देश्य यह है कि देश की जो सरकार है वो लगातार मजदूरों के खिलाफ निर्णय ले रही है, और जो उसकी नीतियां हैं वो मजदूर और किसान के बिल्कुल विरुद्ध में है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। अगला स्टेप हम लोग पिछले महीने में नवंबर के महीने में 8, 9, 10, 11 को एक हम लोग घेरा डालो डेरा डालो दिल्ली में एक आयोजन किया था, कार्यक्रम किया था, जो बहुत ही सक्सेसफुल था, और उसका असर भी पड़ा भारत सरकार के ऊपर। और जमशेदपुर के बारीडीह जयशंकर पथ में मुख्यमंत्री रघुवर दास की धर्मपत्नी रुक्मणी देवी ने पेपर प्लेट बनाने के मशीन का वितरण किया। इस मौके पर कई स्थानीय महिलाएं उपस्थित थी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ये मशीनें दी गई है, ताकि महिलाएं मशीनों के माध्यम से पेपर प्लेट बनाकर रोजगार प्राप्त कर सके। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास की धर्मपत्नी ने कहा कि महिलाओं के लिए यह लाभदायक होगा और वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगी। सरकार की हर योजना से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना ये जो लागू किया गया है, महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। थोड़ी सी पूंजी में ये अच्छी लागत का जो काम में महिलाओं के लिए ये रोजगार बहुत अच्छी है। तमाम महिलाओं को जोड़ा जा सकता है इससे? हाँ, ये रोजगार ऐसा है कि आगे और महिलाएं इसमें भाग लेके अपना रोजगार को चालू कर सकती है।
और झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष जानकी यादव सरायकेला जिले के आदित्यपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां इन्होंने आदित्यपुर स्थित आवास बोर्ड के कोल्हान प्रमंडलीय कार्यालय का निरीक्षण किया। अध्यक्ष जानकी यादव ने आवास बोर्ड में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और दस्तावेजों की भी जांच की। इन्होंने वर्षों से बंद आवास बोर्ड के गोदाम का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पाया कि सामान रखे रखे बेकार हो रहे हैं, जिसका इन्होंने जल्द ही नीलामी किए जाने का भी आदेश दिया। उन्होंने जर्जर हो चले निरीक्षण भवन और कार्यालय भवन का भी जायजा लिया। साथ ही बताया कि आवास बोर्ड के 101 एकड़ जमीन का कोई पता नहीं चल पा रहा है, जो ना ही अतिक्रमणकारियों की सूची में है, ना ही इस जमीन का दस्तावेज बोर्ड के पास है, जिससे एक घोटाला प्रतीत हो रहा है, जिस पर जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अध्यक्ष जानकी यादव ने बताया कि सैकड़ों लोगों द्वारा आवास बोर्ड के मकान और जमीन का अतिक्रमण किया गया है, जिसमें अब तक 172 लोगों द्वारा आवेदन देकर नियमित किए जाने की मांग की गई है, जबकि 288 लोगों ने कोई आवेदन नहीं दिया है, जिन्हें चिन्हित कर आवास बोर्ड द्वारा जल्दी ठोस कार्रवाई की जाएगी। तीसरी चीज है कि आज इंस्पेक्शन के दौरान कई चीजें कुछ यहाँ कुछ गड़बड़ी की ओर भी आशंका जाहिर हुआ है। लगभग 100 एकड़ जमीन का पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है, ना तो वो अतिक्रमणकारियों के लिस्ट में है और ना आवास बोर्ड के अधीन है। ये पूरी जमीन का जांच मैं इसको करूंगा। और कुछ छिटपुट आवंटन हुए थे जो भारी मात्रा में हुआ था, वो 2010 तक उसमें कुछ गड़बड़ियां नजर आई है, संदिग्ध प्रतीत हुआ है। हमने अभी 3-4 फाइल देखा है, इसलिए अगले बैठक को इसका हम विस्तार से एक जांच रिपोर्ट मांगे हैं। कोल्हान मानवाधिकार संगठन का 12वां स्थापना दिवस सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान आयुक्त ब्रजमोहन कुमार शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में मानवाधिकार संगठन से जुड़े सदस्य भी मौजूद थे, जहां लोगों को उनके हक और अधिकार के प्रति जानकारी दी गई, साथ ही जागरूक किया गया। इस मौके पर मौजूद कोल्हान मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष जेपी सिंह ने बताया कि जल्द ही कोल्हान मानवाधिकार संगठन का विस्तार पूरे राज्य भर में किया जाएगा। मानवाधिकार हनन के प्रति एक जन जागरण अभियान भी राज्य भर में चलाया जाएगा। इसको हम लोग 2018 में इसको और जिला में भी हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि ये कोल्हान मानवाधिकार संगठन 2400 जिला के लिए रजिस्टर्ड है। इसीलिए हम लोग को ये सोच है कि अदर्स जो जिले हैं वहाँ भी हम लोग का कमेटी का गठन। अंगिका विकास परिषद के सरायकेला खंडसावा जिला इकाई द्वारा वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित हॉलीडे इन प्लाजा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित विमोचन कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, विजय मिश्रा, सचिव एसडी झा समेत काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम के साथ ही अंगिका विकास परिषद के विस्तारीकरण पर भी चर्चा की गई व आगामी 4 फरवरी को वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर एच टाइप स्थित दीप गेस्ट हाउस में टाइगर क्लब का वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में टाइगर क्लब के सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने का प्रण लेते हुए जमशेदपुर व आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में युवाओं के एक दल ने टाइगर क्लब का दामन थामा, साथ ही समाज हित के लिए लगातार कार्य करने का संकल्प लिया। टाइगर क्लब के आजाद कुमार के अनुसार टाइगर क्लब का गठन समाज हित के लिए किया गया है, जिसका विस्तार लगातार किया जा रहा है, ताकि भारी से भारी संख्या में युवाओं को इस क्लब के साथ जोड़ा जा सके और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाया जा सके। हर एरिया से, आदिपुर से, गोलमुरी से, काकड़ी से, सारे एरिया से सारे युवा एक जगह एकत्रित हुए और मिलन समारोह में जैसा टाइगर क्लब का दामन थामा इन्होंने। और हम लोगों ने आज यहाँ पे घोषणा की है कि जो भी युवा है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को हम अपने संस्था के साथ जोड़ेंगे और जितने भी सामाजिक कार्य हो सके, जो भी असहाय व्यक्ति है, जो गरीब है, जो किसी भी रूप से असक्षम है किसी भी कार्य के लिए, उसको हम लोग अपने संस्था के द्वारा जितने भी जरूरतमंद है सबको सहयोग पहुंचाएंगे अपने संस्था के द्वारा, जैसा टाइगर क्लब के। जमशेदपुर के जुगसलाई महतोपाड़ा रोड स्थित गोल्डन मैरिज हॉल में आजसू अल्पसंख्यक महासभा द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया, जहां ऑल डॉक्टर एसोसिएशन का पूर्ण सहयोग इन्हें प्राप्त हुआ। निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर में आजसू अल्पसंख्यक महासभा के पदाधिकारियों के अलावा आजसू पार्टी के केंद्रीय व जिले के पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्य के लिए आजसू अल्पसंख्यक महासभा की सराहना की। इस दौरान क्षेत्र के लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाते नजर आए, जहां शिविर में नेत्र जांच से लेकर संपूर्ण शरीर की जांच के लिए चिकित्सक उपलब्ध थे।
वहीं आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा, निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाने का उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद लोग जो कि आर्थिक अभाव में अपने स्वास्थ्य की जांच नहीं करवा पाते हैं, उन सभी का निस्वार्थ मदद करना है। उन्होंने कहा, आजसू पार्टी हमेशा लोगों के सहयोग के लिए खड़ी है। डॉक्टर सलाम हसन जी के नेतृत्व में मुछलाई में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें हम लोगों का एक सोच है कि यहाँ के गरीब लोगों को, मुछलाई एक स्लम क्षेत्र है, स्लम क्षेत्र के लोगों को उचित इलाज जो नहीं मिलता है वो उनके घर तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए। पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ, 25,000 वैरायटी। जाने माने भारत के सर्वश्रेष्ठ बाबा समीर जी बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी अपनी फैक्ट्री है, पहले तो व्यापार ठीक चल रहा था मगर पिछले एक साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान दुकान व्यापार फैक्ट्री सब बिकने पे आ गया, लेकिन सभी किसी ने बाबा जी के बारे में बताया, मैं इनसे मिला और इनके चमत्कारी प्रभाव के कारण आज मैं सभी चीजें वापस पा चुका हूँ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था, हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे, मैं बाबा जी की शरण में आई, एक महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी पिछले साल ही हुई है, मेरी पत्नी और मामे बिल्कुल भी नहीं बनती थी, रोज के ग्रह क्लेश से मैं परेशान हो गया था, फिर मेरा मित्र मुझे बाबा जी के पास लेके गया, तब से मेरा जीवन खुशहाल है। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां, ग्रह कलेश, प्रेम विवाह, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, कैसी भी हो समस्या मिले एक बार घर बैठे 11 घंटों में समाधान, बाबा समीर जी बंगाली, 9855718835। IIFT and Orissa Institute of Interior and Fashion Technology, Jamshedpur. It provides quality education through prominent fashion gurus. Courses are designed in the field of fashion designing and interior designing. Frequent guest faculty visits from renowned institutes. Internationally renowned pattern designer Mr. Arvind K. Zarapkar as an academic director of OIIFT campus by renowned designers as well as expert houses. We have included some more special features which adds feathers in OIIFT throughout the year. Enjoy fashion show every year organized by OIIFTians with their creation. OIIFT. Transform your dreams into reality. गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलचा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलचा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलचा रेडीमेड सेंटर। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलचा रेडीमेड सेंटर, जहां आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलचा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहां आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलचा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी।
इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलचा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलचा करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार। आज ही पधारें बाजार गोलचा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार, नियर जुगसलाई गुरुद्वारा, जमशेदपुर। 0657229093। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी का गेलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক, উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। মেরে বচ্চে কা পড়াই মে মন নহি লাগতা থা, শ্রী মহাদেব জি কে পরামর্শ কে বাদ আজ মেরা বচ্চা আচ্ছে নম্বরো সে পাস হো রাহা হ্যায়। মহাদেব জি সে মিলে অর সভি পরেশানিয়ো সে নিজাত পায়ে। মিলনে কে লিয়ে সম্পর্ক করে জেমকো, আদিত্যপুর, সাক্ষী, সোনারি, মানগো, গোলমুড়ি। মোবাইল নম্বর 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित हॉल में झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में दो चिकित्सकों के दल ने पहुंचने वाले गरीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच की तथा निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। इधर फाउंडेशन के अध्यक्ष रियाज शरीफ ने बताया, गरीब लोगों के स्वास्थ्य जाँच कराने एवं मुफ्त में दवाएँ देने के उद्देश्य से एक दिवसीय स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया गया है। उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है, जो लोग नहायत ही गरीब है, उन तक हम लोग जो है वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। कितने डॉक्टर का टीम आई है यहाँ? 2 डॉक्टर्स की टीम है, कंप्लीट दया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से। किस किस चीज़ का चेकअप होगा ये? जनरल कैंप है और इसमें गायनेकोलॉजिस्ट है और एक जनरल फिजिशियन है। कुशवाहा संघ जमशेदपुर की ओर से कुश भवन गुरु नानक नगर साक्षी में स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कुशवाहा संघ की ओर से स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कुशवाहा संघ के सचिव ओम प्रकाश भगत ने स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के योगदान के संबंध में जानकारी दी। बिहार के लेलन श्री स्वर्गीय जगदेव बाबू जी की जयंती मना रहे हैं हम लोग। कुशवाहा संघ जमशेदपुर के तत्वावधान में हो रहा है। इन्होंने दलितों, शोषितों की मजबूरी की लड़ाई उन्होंने लड़ा और समांतवाद का विरोध कर उन्होंने बिहार के शोषितों को जगाने का काम किया और उन्होंने समारोह प्रदर्शन के दौरान उन्हें हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने से जगदेव जी, एक शहीद जगदेव बाबू मारे गए, बाकी उन्होंने सैकड़ों जगदेव बाबू को अपनी विचारधारा से जीवित कर दिया। और जमशेदपुर के साक्ची स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में 10 दिवसीय रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। साक्ची शीतला माता मंदिर परिसर में 10 दिवसीय रुद्र चंडी महायज्ञ में बड़ी तादाद में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इधर मंदिर समिति के सदस्य विवेक पांडे ने बताया, महायज्ञ की पूर्णाहुति 26 जनवरी को होगी, जबकि 27 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पर शीतला माता मंदिर के गर्भगृह में अवस्थित काशी विश्वनाथ स्पटकेश्वर एवं माँ काली का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष होता है, जो कि 18 तारीख से शुरू हुआ, कलश यात्रा से शुरुआत हुआ इसका, और आज आपका चौथा दिन है और 27 तारीख तक चलेगा। और सुबह में आपका वेदी पूजन, मंडप पूजन के बाद से रुद्र चंडी का पाठ होता है, उसके बाद आपका रुद्राभिषेक होता है नित्य प्रतिदिन, और ये 27 तारीख को चलेगा।
और जमशेदपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 121वीं जयंती के अवसर पर बंग बंधु संस्था के द्वारा विशाल रैली का आयोजन कर समाज के लोगों को एक मंच मिलाने का प्रयास किया जाएगा। साक्ची स्थित बंगाल क्लब में बंग बंधु संस्था के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर यह जानकारी दी गई। इस अवसर पर संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। वहीं मानिक मल्लिक ने कहा कि जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 121वीं जयंती के उपलक्ष्य पर विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसका समापन साक्षी आम बगान मैदान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगा। इस रैली के माध्यम से वे समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। इस रैली में शामिल होने के लिए उन लोगों ने समाज के सभी लोगों से आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा, इससे पहले समाज के लोग विभिन्न संगठनों में बंटकर नेताजी की जयंती मनाते थे, जिसे देखते हुए उन लोगों ने एक मंच पर भव्य रूप से कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि हमारा जो बंगाली समाज है बंगबंधु संस्था द्वारा नेताजी के 121वां जयंती के उपलक्ष्य पे जितने भी हमारे चार जोन में जो बटा हुआ है बंगबंधु संस्था, इसके अलावा जो सामाजिक संस्था है जो बंगाली समाज से बिलोंग करती है, इसके अलावा और भी जो देश के लिए और राज्य के लिए करते हैं, उसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ 23 तारीख को परसूली से लेके साक्षी आम बागान नेताजी का जो स्टैचू है वहाँ हम लोग मालार्पण करेंगे और एक विशाल रैली के रूप में हम लोग चलेंगे। वहाँ से तकरीबन 5,000 की हम लोग संख्या में इस जगह पर उपस्थित होंगे। और जमशेदपुर में जनता दल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिमना चौक से मानगो चौक तक मशाल जुलूस निकाला। मानगो अक्षेस के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मानगो अक्षेस द्वारा स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को ठगा जा रहा है और होर्डिंग के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। आरोप लगाते हुए इन लोगों ने कहा कि मानगो अक्षेस द्वारा सिर्फ मानगो के मुख्य इलाकों की सफाई करवाई जा रही है, जबकि बस्तियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। ये मशाल जुलूस का आयोजन करने के पीछे जदयू का ये उद्देश्य है, मानगो में स्वच्छता के नाम पर जो पैसों का बंदरबांट हो रहा है, मुख्य क्षेत्रों को चमका करके अंदरूनी क्षेत्र में गंदगी का अंबार है, तालियां कुछ बजा रही है, गंदगी कचड़े पड़े हुए हैं, महामारी फैलने का डर है। और दूसरी बात है, होल्डिंग टैक्स के नाम पर मानगो को जनता का शोषण कर रही है, ऐसे अच्छे पदाधिकारी अपने यहाँ दलाली का काम करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को जदयू चेतावनी देना चाहती है। क्या अभी भी वक्त है? घर जाए अन्यथा जनता उनसे सड़क पर उतर करके जवाब मांगेगी। और एक बात हम झारखंड सरकार से भी करना चाहते हैं, जो सिर्फ जुमलों की सरकार बन करके रह गई है, उनके राज्य में कोई भी नौकर सा अफसर सा हो बेलगाम हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री और सरकार के वरिष्ठ मंत्री आपस में झगड़ा करते। जमशेदपुर में ताज नाइट सीजन 8 के फाइनल मुकाबले में जमशेदपुर की प्रतिभा मंच पर नजर आई, जहां एक तरफ युवाओं के द्वारा वेस्टर्न डांस के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दिखाया गया, तो वहीं मॉडलरों ने रैंप के माध्यम से अपने हुनर को मौजूद लोगों के समक्ष रखा। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में पिछले 2 दिनों से ताज नाइट संस्था के द्वारा फिनाले सीजन 8 के तहत फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया था। इस फाइनल मुकाबले में बिहार, बंगाल, ओडिशा सहित अन्य राज्यों के कई प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए जमशेदपुर पहुंचे थे। इनकी प्रतिभा को देखने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं इस फाइनल मुकाबले में बॉलीवुड के कई कोरियोग्राफर बतौर जज मौजूद थे। युवाओं ने वेस्टर्न डांस के माध्यम से अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष रखा, जिसे देख युवाओं ने जमकर मस्ती की। वहीं इस फाइनल मुकाबले में डांस इंडिया डांस में अपनी छाप छोड़ चुके एक डांस ग्रुप ने भी अपनी प्रस्तुति दी। वहीं स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को देख कर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कलाकार किसी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हों। वहीं ताज नाइट सीजन 8 में मॉडलरों ने भी अपना जलवा बिखेरा, रैंप के माध्यम से कैटवॉक कर अपनी प्रतिभा को मौजूद लोगों के समक्ष रखा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। कैटवॉक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही, जहां नन्हे बच्चों ने अपनी प्रतिभा के दम पर बड़े शहरों तक जाने का सफर शुरू किया है। वहीं जमशेदपुर की मॉडलरों के द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर बॉलीवुड से आए कोरियोग्राफर वर्णन ने कहा कि इस शहर के युवाओं में काफ़ी प्रतिभा है, इनकी प्रतिभा को वे बड़े मंच में ले जाकर इनकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रयास करेंगे।
जमशेदपुर में ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे आके जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे कम एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में मिले एंड यहाँ के जो टैलेंट है, यहाँ के जो डांसर्स है वो अप टू द मार्क है एंड यहाँ पे बहुत ऐसे डांसर्स है जो अलग लेवल के डांसर्स है एंड डेफिनेटली यहाँ से कहीं ना कहीं वो लोग आगे जाएंगे यहाँ से। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के कपाली में गोली चालन की घटी घटना, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सरायकेला जिला निवासी डॉक्टर ममता राय का पहुंचा शव, परिजनों ने सहयोगियों पर लगाया हत्या का आरोप। 13 वर्षीय नाबालिग के साथ झोला छाप, डॉक्टर ने किया दुष्कर्म, सरायकेला के कुचाई का है मामला। और जमशेदपुर में सरस्वती पूजा को लेकर लोगों में दिखी उत्साह, बने भव्य पंडाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।